रामायण से नीतिकार संतों को चरण को रज को वंदना कर रहे हैं, जो आप सब के बीच में प्रस्तुत कर रही हूं। जय धन धन मातु पिता है धन सुहीद अनुरक्त आओ धन ग्राम जहां जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। आज यह धबोली ग्राम धन हो चुका है, जो इनकी माता पिता ऐसा पुत्र को जन्म दिए हैं, ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। लोग विष्णु यज्ञ करते हैं, रुद्र यज्ञ करते हैं, अश्वमेध भी यज्ञ करते हैं, लेकिन सबसे सुपर है ज्ञान यज्ञ। जय आए बाबूजी, 56 करोड़ देवता में सबसे महान देवता होते हैं साधु, और 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन है मानव का, क्योंकि मानव विवेकशील प्राणी होते हैं। मानव जो बनना चाहेंगे वो बन सकते हैं, जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा सकल भव रुचि परिवार जा
भ्रंचि शंकर सम हो प्रेम से बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय। नीतिकार रामायण से दर्शाए हैं जय संतों को चरण को रज को वंदना कर रहे हैं। बंदा गुरु पद पद्म परागा सुरचि सुवास सरस अनुराग। संतों का चरण का रज सुंदर और सुभाषित होते। सारे बच्चे को हटाइए, उठाइए बच्चे को यहां से। हाँ एकदा सबको समझाए ले। संतों का चरण का रज सुंदर एवं सुभाषित होते हैं। अनुराग रसों से पूर्ण होता है जिसमें किसी प्रकार का राग न हो। अमिय मुरिय मैं चूरन चारु, यानी संतों का चरण का रज संजीवनी जरी का चूर्ण है। समन सकल भव रुज परिवारु, समस्त परिवार को संसार रूपी भव रोगों को नाश करने वाला है संतों का चरण का रज। संतों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। चार वेद 18 पुराण 6 शास्त्र से प्रमाण दिया गया है सत्संग की महिमा गाया नहीं जा सकता। सज्जनों अगला कड़ी का संकेत है गुरु बिना भवन निधि तरई न कोई जा ब्रंची शंकर सम होई। बक्स के निकट से हट जाइए। ब्रह्मा एवं शंकर के समान क्यों न हो लेकिन बिना गुरु को संसार रूपी भव सागर से पार नहीं हो सकते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कुल गुरु थे वशिष्ठ मुनि, विद्या गुरु थे विश्वामित्र, बारह कलाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे लेकिन उनको भी गुरु करना पड़ा। कुल गुरु वशिष्ठ मुनि, अविद्या गुरु विश्वामित्र। भगवान शंकर का गुरु थे कुंभज ऋषि जो शिव चर्चा करते हैं, कहते हैं शिव आदि गुरु है, उनको न माँ है न बाप है, ओली नोल है और जन्मा है। निरंजन पिताजी हैं, अद्या माता है, ब्रह्मा भाई हैं, विष्णु भाई है, शंकर तीनों भाई हैं। भगवान शंकर का गुरु थे कुंभज ऋषि, भगवान श्री कृष्ण का गुरु थे सांडली ऋषि एवं दुर्वासा मुनि। गुरु महिमा से संकेत किया गया है। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हूं तो गुरु की तीन लोक की हुई धनी गुरु आगे आधे। सजना 16 कलाधारी भगवान श्री कृष्ण थे, उनको भी गुरु करना पड़ा। देवता का गुरु था बृहस्पति महाराज, राक्षस का गुरु था शुक्राचार्य। इस धरातल पर बिना गुरु को कल्याण नहीं होता। जिस प्रकार नदी में बाढ़ आ जाती है भादव महीना के समय, तो लोग काठ की नौका को व्यवस्था करते हैं। जय नहीं, काठ की नौका बन चुका है, उसमें रुई की गहनी दी जाती है,
पानी से बचाव के लिए गर्जन का तेल लगाया जाता है और नगदा में खेबने के लिए होशियार मल्लाह की जरूरत है। संसार रूपी भाव सागर से पार होने के लिए यह मानव रूपी नौका मानव शरीर रूपी नौका मिला है। धर्म रूपी रुई की घनी, परमार्थ रूपी गर्जन का तेल और विवेकी संतों का दर्शन वीतराग अध्ययन अध्यापन से आवरण हट जाएगा। शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करोगे, स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन रूपी नौका ये संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएगा, नहीं तो कोई दूसरा साधन नहीं है। इसी को नीतिकार फिर रामायण से संकेत किए हैं, जो मानव ने मारियो जाय दियो। आहो साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई ने जही परलोक सवारा। मानव का शरीर साधन का धाम एवं मोक्ष का दरवाजा है। आए बाबूजी, मानव का शरीर साधन का धाम एवं मोक्ष का दरवाजा है, तो मोक्ष क्या मंदिर में है, मोक्ष क्या मस्जिद में है, मोक्ष क्या गिरिजाघर में है? सदगुरु केवरणे बीजक से दर्शाए हैं। आर्य मंदिर तोरो मस्जिद को तोरो कुछ नहीं मुझा कहे। आर्य दिल किसी को मत तोर बंदे, एक हर खास खुदा कहे। खुदा खुद में नहीं वास करते हैं। अच्छे बुरे जो कर्म कर रहे हो, चित्रूपी चित्रगुप्त साहब सब क्रियाकलाप को देख रहा है, हृदय रूपी डायरी पर नोट कर रहा है। सारे प्रश्न का जवाब देना हो जाए होगा, बच नहीं पाओगे। सब कुछ प्रकृति देख रही है। मंदिर में मूरत बैठी है, मस्जिद सफम सफाई है। और ये दिल दरगाह में ढूंढ के देखो, झलकता नूर खुदा ही है।